Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीड्स अलॉट Leo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराई है एट वेरी मनी फीस। ओके लियो ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की सो लेट्स गेट स्टार्टेड अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए ओके लेट्स गेट स्टार्टेड एंजल्स हाइबिन्ज एंसेस्टर्स लव लाइफ फॉर लियो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024 ओके लेट्स कट द टैग Let's see the current energies of your person is impulsiveness. Okay, nice. Intention of your person is harmony. Future reaction of your person is secrets. Your energy is bluff. And future of this whole connection is principle. Hmm. Bottom of the deck is inheritance. Okay. Hmm. Okay. Leo, zodiac sign tell जोरियाक्साइन इज एरिज लिब्रा स्कॉर्पियो सैजिटेरियस एंड पाइसीज बाकी आपका पर्सन जिस भी जोरियाक्साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो

एक वो होती है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है आप दोनों के बीच में फ्यूचर एक्चुअली बहुत अच्छा आप मेरे हिसाब से आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो एनर्जी इज अ वेरी गुड लियो एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ यूर रीडिंग ओके यू गट द एंड एरीज एनर्जी देयर करेंट एनर्जीज इज एंड एरीज इज मासवनेस दे फील अट्रैक्टेड टू वर्ड लियो बहुत ज्यादा फील करते हैं मेरे हिसाब से ये ये आपसे आपसे ना आप रियल लाइफ में मिलना चाहता है अगर अब तक आप, आप, आप रियल लाइफ में मिले नहीं हो तो आपसे रियल लाइफ में ये मिलना चाहते हैं वन सेकेंडली आई एम सीइंग दैट इन्हें ऐसा फील होता है लियो इन्हें ऐसा फील फ़ील नहीं इन्हें ऐसा विश्वास है लियो कि आप एक बहुत टैलेंटेड पर्सन हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट्स हैं एंड आप बहुत ज्यादा हो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा दे सी हु इज वेरी टैलेंटेड मुझे ये भी दिख रहा है विद मार्स एंड एरीज एनर्जी इन्हें ऐसा अट्रैक्शन जो आपके प्रति फील हो रहा है वो बहुत टाइम से किसी के लिए फील नहीं हुआ है जो आपके लिए फीलिंग्स हो रही है सो ओवरऑल देय करेंट एनर्जीज अगर मैं बात करूँ लियो दे रियली लाइक यू है, आपको और जानना चाहते हैं आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं आपको एक टैलेंटेड इंसान समझते हैं आपको एक समझदार व्यक्ति समझते हैं intention, intention actually, Libra, uh, यही रिप्रेजेंट करता है कि आपको डेट करना चाहते हैं आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं आपसे बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं इंटेंशन में मेरे हिसाब से जब भी आप इनसे बात करते हो अपने लाइफ लाइफ जब भी आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हो इन्हें बहुत खुशी मिलती है दे फील हैप्पी यू मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ इस पर्सन की जो एनर्जी ने बहुत टाइम से ऐसी फीलिंग ऐसा ऐसे इमोशंस नहीं फील हुए ये बहुत टाइम बाद इनकी लाइफ में आप जैसा पर्सन आए हो एंड दे फील वेरी लकी टू हैव यू इन देयर देयर लाइफ एंड इंटेंशन ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लियो आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं बट दे आर नॉट इन एनी रश ये ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आके आज के आज या कल के कल आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे नो बट दे वांट टू टेक देर गुड टाइम ये श्योर होना चाहते हैं कि हाँ लियो इज अ गुड पर्सन

इन्हें ऐसा लगता है कि लियो लियो ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे धोखा देके जाएगा जो मुझे झूठ बोल के जाएगा नो no. लियो एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सेफ रखेगा लियो द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज एनर्जी विच इज वीनस इन स्कॉर्पियो एनर्जी दैट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस सीक्रेट्स में एक चीज बताऊ लियो ये इन्होंने शायद ये अपनी शायद फैमिली के बारे में आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं अगर ऐसा केस है ये फैमिली के बारे में इसलिए उतनी बातचीत नहीं करते हैं बिकॉज इनका बहुत ट्रॉमा जोड़ा है इनकी फैमिली के फैमिली के जो हालात है फैमिली के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है दैट कैन बी वन केस आई एम सीन सेकेंडली जितना मुझे दिख रहा है वीनस एंड स्कॉर्पियो एनर्जी आने वाले टाइम पे मेरे हिसाब से ये आपको बहुत ब्यूटी गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हैं जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए स्किन केयर हो गया ब्यूटी रिलेटेड गिफ्ट्स आपको बहुत ज्यादा देते हुए दिख रहे हैं एंड दे फ्यूचर एक्शन टूवर्ड्स यू ये आपके साथ कमिटमेंट में तो आ रहे हैं आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो डेफिनेटली दिख रहा है बट आप दोनों का जो रिश्ता होगा वो प्राइवेट होगा ये ऐसा पर्सन नहीं है कि इन्हें इन्हें ये नहीं पसंद है कि लोगों को दिखाई कि हाँ मेरे एक रिश्ते में हाँ मैं रिलेशनशिप में दे रियली लाइक टू कीप प्राइवेट प्राइवेट लाइफ तो अगर आप सोचो क्या मैं इस रिलेशनशिप को पब्लिक करूंगा या करूंगी या सोशल मीडिया पे जाऊंगा या सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स को पोस्ट करूंगा दे विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट एंड ये जो आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो वो एक प्राइवेट एक वन ऑन वन रिलेशनशिप होगा जिस, जिसमें किसी को किसी को किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कि आप दोनों साथ में हो एक सीक्रेट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है अब, see, be, अगर आप लोग हो, किसी और से आप बातचीत करो अपार्ट फ्रॉम योर हसबेंड एंड वाइफ इट कैन बीस आप लोग एक अफेयर में आ रहे हो जिसमें किसी को कुछ नहीं पता लगने वाला है ये भी मुझे एक वन पॉसिबिलिटी दिख रही है बट सेकेंडली रिलेशनशिप डेफिनेटली दिख रहा है बट इट विल नॉट बी अ पब्लिक रिलेशनशिप इट विल बी अ प्राइवेट रिलेशनशिप दैट आई एम ट्राइंग टू से Okay, one second. So now let's talk about your energy. It's the bluff energy, which is Saturn. I hope this is Saturn only, right? <laughs> this is Saturn in uh, Pisces energy. This is Saturn. Hmm, this is Saturn. So, what I'm seeing, Saturn in Pisces now. Uh, बहुत रिप्रेजेंट anyway so करता है एक 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 बहुत बहुत ये है है तो करता आपकी एनर्जी में जितना मुझे फील हो रहा है लियो, you feel a divine connection. आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम है आपको एक ऐसा वही आपको भी एक ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है इस पर्सन से दैट यू नेवर फेल दैट कनेक्शन विद एनी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन कौन है मुझे मतलब मैं इतना ज्यादा अट्रैक्ट या मैं इतना ज्यादा कनेक्टेड क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस पर्सन के साथ मेरे हिसाब से आप भी अपने पास के बारे में इस पर्सन को इतना रिवील नहीं कर रहे हो आपने बहुत चीजें हाइड करके रखी हुई हैं इस पर्सन से विच इज फाइन विच इज फाइन जब तक आप किसी सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना रहे हो या उल्लू नहीं बना रहे हो तब तक अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ हाइड करनी दैट्स फाइन बट हाँ अगर आप शादी शुदा हो ये सब फैक्ट्स हाइड कर रहे हो आपके बच्चे वो गलत होता है बट इफ यू इफ यू हैव सम ट्रॉमा इफ यू हैव सम पर्सनल इश्यूज या पर्सनल ट्रॉमा वो आप हाइड करके रख रहे हो अपने पर्सन से दैट्स दैट्स फाइन टोटली अप टू यू तो मुझे वही दिख रहा है कि आप अभी उतना ओपन अप नहीं हो पा रहे हो उस पर्सन से जितना ये पर्सन आपसे ओपन अप हो पा रहा है सो so मुझे ये आपकी एनर्जी में दिख रहा है लियो दैट यू आर फीलिंग अ लिटिल गिल्टी गिल्टी आपको लग रहा है कि यार मैं मैं एम मुझे कनेक्शन तो जरूर फील हो रहा है बट मैं इमोशनली उतना ओपन अप क्यों नहीं हो पा रहा हूं मैं एक चीज बोलू लियो आपको वक्त दो अपने आप को जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ बता दो अपने आप को वक्त दो इस कनेक्शन को धीरे धीरे डेवलप होने दो जब वो कंफर्ट जोन डेवलप हो जाएगा ना लियो तो ऑटोमेटिकली आप अपने पास के ट्रॉमा या जो भी समथिंग इज रिलेटेड टू पासिंग ओवर लियो वो आप बताओगे हाँ बट वो एक होता है ना झूठ बोलना कि भाई तुम शादीशुदा हो तुम्हारी शादी हो रही है तुम वो सब वो बहुत बड़े बड़े झूठ होते हैं बट हाँ कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि हाँ मुझे बतानी चाहिए तो लियो आप अपने आपको गिल्टी मत महसूस करो आपको लगता है कि यार मैं आप गिल्ट में आ रहे हो लियो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है सो लियो ट यू डू यू टेक योर गुड टाइम आप अपना टाइम लो क्योंकि कंफर्ट जोन डेवलप होने वाला है आप लोग और क्लोज आते हुए दिख रहे हो स्पेशली इमोशनली क्लोज आते हुए दिख रहे हो जब आप कंफर्टेबल होगे ना ऑटोमेटिकली आप अपना ट्रामा अपना पास के एक्सपीरियंसेस इस पर्सन को बताओगे सो डोंट वरी मेरे हिसाब से लियो यू जस्ट गो विद द फ्लो चिल रहो नॉर्मल रहो क्योंकि कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है मुझे दिख रहा है वेरी हैप्पी बर्थडे ओके सो फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज अगेन सैटन एंड सैजिटेरियस एनर्जी व्हिच इज ब्यूटीफुल प्रिंसिपल की एनर्जी कमिटमेंट दिख रहा है मुझे वही सितंबर एंड तक मुझे एक कमिटमेंट दिख रहा है ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है भले ही प्राइवेट होगा आपका रिलेशनशिप बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आपके पेरेंट्स 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 को 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 आप आप शायद अपने को, ये अपने को बताते हुए दिख रहे हैं कि हाँ हम दोनों साथ में हैं वन सेकेंडली मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में आओगे उसके तुरंत बाद आप लोग शादी का डिस्कशन करोगे सी आई एम नॉट सींग मैरिज राइट नाउ बट एक होता है ना कि रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग सीधा शादी का डिस्कशन करोगे शादी के बाद एक होता ना लोग enjoy करते हैं में शादी के बारे में बाद में सोचते हैं no, नो आप लोग एंजॉय तो करोगे बट शादी भी आप दोनों की वो प्रायोरिटी रहने वाली है और आप लोग शादी के डेफिनेटली करोगे वेन यू कमिटेड रिलेशनशिप प्रिंसिपल के एनर्जी है ंग का, का, का. इस इस के एनर्जी है आप दोनों यार आप दोनों हाईली कंपेटेबल लोगो आ, ये थोड़े ज्यादा वैसे आउट गोइंग नेचर के आप थोड़े इंट्रोवर्टेड नेचर के हो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा बैलेंस करते हो और आने वाले टाइम पे और करोगे ब्यूटिफुल एनर्जी लियो आप क्लेम कर सकते हो ये रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैर रीडअप बाय